हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे मसाले से रूबरू करवाने वाले हैं जिसे आयुर्वेद में एक औषधि के रूप में माना जाता है। वैसे तो आप लोग इस मसाले से अच्छी तरह से परिचित हैं, बस नाम बताने भर की देर है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसके फायदे कुछ इक्के दुक्के लोग ही जानते होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्यूमिन की, जिसे आम घरों में जीरा के नाम से जाना जाता है। जीरा को लेकर हम लोगों की जानकारी दाल या फिर सब्जी में तड़का या फिर छौंका मारने से लेकर लस्सी या फिर रायता में एक अलग फ्लेवर लाने तक ही सीमित है, जबकि ये बहुत छोटे से फायदे हैं। बहुत कम लोगों को ये पता है कि जीरा हमें कई तरह की समस्याओं से सुरक्षित कर हेल्दी रखने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज हम जानेंगे कि क्या जीरा पैरालिसिस जैसी समस्या में भी कारगर है। तो अगर आप इस तरह की समस्याओं के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कर्मा आयुर्वेदा पैरालिसिस ट्रीटमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको सबसे पहले जीरे के बारे में थोड़ा सा बताते चलें। दरअसल आयुर्वेद में जीरा को तीन तरीके का बताया गया है, काला जीरा, सफेद जीरा और अरण्य जीरा, जिसे हम जंगली जीरा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इन सभी में से सफेद जीरा ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसका इस्तेमाल मसालों के रूप में होता है। वैसे तो पूरे भारत में जीरे की खेती की जाती है, लेकिन खासकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में इसे सबसे ज्यादा उपजाया जाता है। अगर पोषक तत्वों की बात करें तो जीरा में विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B1, B2, B3, विटामिन ई, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, कार्बोहाइड्रेट जैसे तमाम पोषक तत्वों के गुणों से भरपूर होता है, जो हमें कई तरह की शारीरिक समस्याओं से दूर रखता है। अगर हम लकवा के मरीज या फिर पैरालिसिस पेशेंट्स की बात करें तो जीरा का प्रयोग कर लकवा रोग को दूर किया जा सकता है। अगर आपके शरीर के निचले भाग में पैरालिसिस की शिकायत है तो आप जीरे को पीसकर उसका लेप बनाएं और प्रभावित अंग पर लगाएं, धीरे धीरे आप बेहतर महसूस करने लगेंगे। लेकिन जीरा के साथ साथ पैरालिसिस को दूर करने के लिए हेल्दी डाइट और डॉक्टर से भी कंसल्ट जरूर करें। लेकिन जीरे के फायदे यही नहीं रुकते, बल्कि पैरालिसिस के अलावा और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें जीरे का सेवन कर आप खुद को हेल्दी रख सकते हैं। तो आइए एक एक करके उन तमाम समस्याओं को जान लेते हैं। पहला, जीरे का सेवन कर हम अपने डाइजेशन को दुरुस्त रख सकते हैं। दूसरा, इम्यूनिटी के साथ साथ अपनी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाए रख सकते हैं। तीसरा, ओरल डिजीज और बैड ब्रीथ में भी ये हमारे लिए फायदेमंद है। चौथा, एसिडिटी, खट्टे डकार, लूज मोशन या सर्दी जुकाम आदि तमाम समस्याओं में भी जीरे का इस्तेमाल फायदेमंद है। पांचवा, काले जीरे का काढ़ा बनाकर इससे कुल्ला करने से आप दांत दर्द की समस्या से निजात पा सकते हैं। छठा, बच्चों के लिए भी जीरा काफी ज्यादा फायदेमंद है। जीरे को भूनकर उसका चूर्ण बना लें और चूर्ण को पानी के साथ घोलकर एक एक चम्मच दिन में 2 से 3 बार 2-3 बार पिलाने से बच्चों के लूज मोशन में फायदा होता है। सातवा, मलेरिया, ल्यूकोरिया और गर्भाशय में सूजन जैसी समस्याओं में भी जीरा फायदेमंद है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज के वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आप अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप पैरालिसिस से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको पैरालिसिस से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है और यह उपचार पूरी तरह से प्राकृतिक है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको सफल इलाज के साथ साथ एक बेहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है, जो आपकी हेल्थ को बेहतर बनाता है। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।